गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द करंट सोर्सेस। द टू सोर्सेस ऑफ लाइट आर सेट टू बी करंट इफ दे एमिट लाइट व्हिच इज ऑलवेज हैविंग व्हिच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम। दिस मींस दैट द टू सोर्सेस मस्ट एमिट द रेडिएशन ऑफ अ सेम वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड। आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तरीके से दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे पहली वाली वेव, ये वेव है फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव, ये क्रस्ट विद द क्रस्ट और ट्रफ विद द ट्रफ फॉल करे, यानी ऊपर वाली पे फॉल करे और नीचे वाली नीचे, ये मेंटेन एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर इस तरीके से मेंटेन नहीं होता है, फेज डिफरेंट रहता है, तो जो रिजल्टेंट वेव, जैसे इसकी रिजल्टेंट वेव इसकी ये आई है, ये ना आकर के कैसा आ जाएगी, बिल्कुल ही ब्लर आएगी, यानी कि जो इंटरफ्रेंस क्रिएट होगा हमारे पास वो ब्लर आएगा, यानी कि साफ नहीं आएगा, एजेस जो हैं उसके बिल्कुल साफ नहीं होंगे, और इसलिए कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि क्रस्ट विद द क्रस्ट और ट्रफ विद द ट्रफ फॉल करे, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बनता है, और अगर रिवर्स में हो, जैसे यहाँ देखेंगे आप क्रस्ट विद द ट्रफ फिल रहा है और ट्रफ विद द क्रस्ट आ रहा है, तो रिजल्टेंट वेव जो आपकी आएगी वो नलिफाइड, यानी कि आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस आएगा। और अगर ये फेज डिफरेंस सही होगा तो डार्क फ्रिंज, यानी डार्क फ्रिंज इंटरफ्रेंस में बिल्कुल डार्क आएगा, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज आएगी, जैसे ये आएगी। यहाँ मैं आपको बताया कि जो फ्रिंज है वो एकदम क्लियर फ्रिंज नहीं होगी और फिर ब्लर आएगी, जैसे कि आपका रेनबो रहता है, रेनबो में जो जैसे रेनबो ऐसे बना होता है, तो उसमें रेनबो में जो एज होता है वो एकदम साफ नहीं होता, यानी कि जो उसकी शार्प एजेस, जो जिससे साफ कलर है, जैसे येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, उनकी जो साइज से होती है, जो कलर बिल्कुल चेंज आए, मतलब कि जहाँ से बिल्कुल चेंज हो रहा है, वो नहीं होगा। तो अगर फेस डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, तो और अगर हमें शार्प एजेस वाला चाहिए, तो फेस कांस्टेंट फेस हमको चाहिए, जिसके अंदर वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एज वेल एज द टाइम पीरियड रिमेन कॉन्स्टेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट हैव द करंट सोर्स, दे आर नॉट टू बी करंट। जस्ट लाइक टू इंडिपेंडेंट, दो बल्ब हैं, दो लाइट लें आप, तो वो करंट हो ही नहीं सकते। दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस मतलब कि जैसे अगर ये वेव ऐसे अप चल रही है, अप जहाँ से, यानी कि उसका फेज डिफरेंस है। व्हाट इज फेज? बेसिकली द फेज, द पॉइंट वेयर द वेव मेक एंगल विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अ फेज, यानी कि उन दोनों का जो फेज डिफरेंस है, दो वेव का जो फेज डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है, फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं, तो आपका जो इंटरफ्रेंस है वो एकदम प्रॉपरली, यानी एकदम क्लियर कट इंटरफ्रेंस नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंटल के लिए, फॉर पॉसिबल एक्सपेरिमेंटल, यानी कि हम जैसे देखते हैं रियल वर्ल्ड में, तो इन फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस द टू वर्चुअल सोर्स ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सोर्स एक्ट एज अ करंट सोर्स। एग्जाम्पल लाइक यहाँ आप देखेंगे एक सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स से एक S1 S2 सोर्स बना, और इससे जो है हमको यहाँ फ्रिंजेस मिल रही हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। जो डार्क वाली आ रही है डार्क डॉट 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 डॉट, ये क्या होगी, आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस है, और जहाँ पर आपकी ये कलर वाली आ रही है, दैट्स द ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस यू ऑब्टेन, यानी हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, ब्राइट यानी चमकदार, और जो डार्क फ्रिंजेस हैं, जहाँ डार्क यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा उसमें, ये यानी एक ही सोर्स से आपके दो वर्चुअल हमने
सोर्सेज बनाएं। इस तरीके से सोर्सेज को एक्सपेरिमेंटली हम करते हैं, यानी ये स्लिट है, स्लिट यानी छोटा सा होल कार्डबोर्ड में कर दिया, फिर आगे एक और कार्डबोर्ड लगाया, उसमें दो स्लिट लगा दिए, जिससे कि आपके दो वर्चुअल सोर्स बने। और ये स्क्रीन है जहाँ पर आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिले। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उन्हें फिजिक्स समझने वाले वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में आराम से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।